खबर प्रयागराज जनपद से, जहां दिशा फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा लगातार लोगों की सेवा असहाय की मदद किया जाता रहा है। दिशा फाउंडेशन ट्रस्ट के सभी कार्यकर्ता बड़ी लगन के साथ असहाय विकलांग लाचार परेशान व्यक्तियों की मदद करते रहते हैं। दिशा फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत से इस ट्रस्ट को आगे बढ़ाया है। कोविड 19 काल में भी भरपूर सहयोग किया। दिशा फाउंडेशन के हर कार्यकर्ता वन मैन वन वृक्ष का कार्य कर रहे हैं। दिशा फाउंडेशन विकलांग व सफाई कर्मियों को कोविड 19 में अपने कार्य को बड़ी लगन और ईमानदारी के साथ करने के लिए सम्मानित किया है। दिशा फाउंडेशन अपना तीसरा स्थापना दिवस मना रहा है। दिशा फाउंडेशन की तरफ से देवाशीष मुखर्जी को सम्मानित किया है। प्रयागराज जनपद से राजीव की रिपोर्ट। उत्साहवर्धन कीजिए। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि कृपया ताली बजाए। ये एक एक्सरसाइज भी है। ताली बजाना हम लोग के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम ताली बजाते हैं तो हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट सब दब जाता है। तो प्लीज आप लोग अपने अपने सेहत के लिए भी ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करिए। हमेशा राधा कुछ ना कुछ अपना सैक्रिफाइसेस करती आई है। एंड शी इज अगेन राधा हमारे बीच में है, जिन्होंने अपने जो पति के लिए एक प्रोत्साहन बनी थी और उनके जाने के बाद आज हम इनको सम्मानित करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हमारे राष्ट्र का नाम कभी भी ये सिपाही हमारे हमारे आर्मी के एयरफोर्स के जितने भी लोग हैं कभी भी नीचा नहीं होने देंगे और हर पल हमारे लिए प्रेरणा स्रोत होंगे और उनकी पत्नियां उनके लिए हम नतमस्तक हैं कि वो हमेशा हम अगर उनके किसी काम आ सके। अदरवाइज अगर देखा जाए तो राधा जी खुद में इतनी सक्षम है और इतनी बहादुर हैं कि अपने पति को खोने के बावजूद भी इन्होंने परिवार को खड़ा किया। अपना ही परिवार नहीं बाकी लोगों के लिए भी ये हमेशा हमदर्द बनते हमेशा
इच्छुक रहती हैं किसी न किसी रूप से उनकी मदद करें। आपको बहुत बहुत साधुवाद और एक बार फिर हम प्रांगण में सभी को कहते हैं कि इनका तालियों से स्वागत करें। धन्यवाद। तो आज मैं लोरी की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और दिशा फाउंडेशन आज तीसरा फाउंडेशन दिवस मना रहा है। दिशा फाउंडेशन शुरू से ही सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ है और जैसा कि अभी आपको स्टेज में मालूम ही चल गया, सामाजिक कार्य में उन्होंने पहले स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता का वो किया गया, आज भी हम लोग करते चले आ रहे हैं। और पर्यावरण दिवस में हम लोग एक पेड़ एक व्यक्ति एक पेड़ वाला मिशन भी करते हैं। उसके अलावा कोई जैसे गरीब बच्चों की पढ़ाई का लिखाई का, और अभी हमने एक मिशन और भी शुरू किया है कि जो गरीब बच्चियां हैं जिनकी शादियों में कोई दिक्कत होती है तो उसको हम लोग अपने तरफ से कोशिश करें और कुछ सामाजिक संगठनों की तरफ से कोशिश करके शादी ब्याह का भी ब्यौरा किया उठाया जाए। और अभी हम लोगों ने आप देखिए अभी कोरोना काल चल रहा है, जो मार्च से चल रहा है 22 मार्च से चलता आ रहा, हम लोगों ने कोरोना काल में भी वो घर में गए, वो जगह गए, वो क्षेत्र में गए जहाँ पर कोई जा नहीं रहा था, वहाँ की बहुत दिक्कतें थी, तो वहाँ हम लोगों ने अनाज प्रदान किया, खाना बना खाना भी दिया गया, दवाइयाँ भी बांटी गई और कई तरह से सामाजिक कार्य हम लोगों ने किया है। और मैं इसके लिए अपने अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, पवन गुप्ता जी को, तो उन्होंने हम लोग से सेवा करवाई है। आप भी लगे रहते हैं, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को, इस फाउंडेशन के सभी को मैं शुक्रगुजार करता हूँ। मैं अमरजीत सिंह फाउंडेशन का उप सचिव भी हूँ और क्षेत्र का पार्षद भी हूँ। जय हिंद, जय भारत। दिशा फाउंडेशन हम लोगों को एक नई दिशा देने का काम कर रही है। हम लोग ऐसे जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पर आम जनता नहीं पहुँच पाती है। हम लोग एक असहाय व्यक्ति जहाँ स्वच्छता का है सभी कार्य कर रहे हैं, वन मैन वन वृक्ष, और हम लोग बराबर निरंतर कार्य करते रह रहे हैं। दिशा फाउंडेशन का लक्ष्य है कि जब तक हमारी मंजिल पूरी नहीं होती हम चलते रहेंगे, निरंतर कार्य करते रहेंगे। और जो आज यहाँ सम्मानित है जैसे विकलांग लोग जी, उनके लिए क्या बताना चाहते हैं? ये हमारा एनजीओ जो जैसे विकलांग लोग हैं, या हमने आज नर्सिंग होम से सफाई कर्मियों को बुलाया जो कोविड के टाइम पे इतना सब कुछ कर रहे थे, सफाई जो हम अपने परिवार के लिए नहीं कर रहे थे वो यहाँ स्वच्छता के लिए सफाई कर्मी लोग कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, मैं उनको भी सम्मानित करूँगी। और ये विकलांग लोग जो अपने शारीरिक रूप से स्वच्छ नहीं हैं वो भी एक हमारे लिए मिसाल का काम कर रहे हैं कि देखिए अपने पैर हाथ भी सही ना होते हुए भी यहाँ चल के आए, हम उनको भी इस मंच के माध्यम से सम्मानित करना चाह रहे हैं कि ये लोगों के लिए प्रेरणा का काम करे आगे। अपना परिचय, मैं शिखा रस्तोगी कोर कमेटी मेंबर हूँ दिशा फाउंडेशन। आज आपको बताना चाहूँगा कि दिशा फाउंडेशन अपना तीसरा स्थापना दिवस मना रहा है और पूरा देश ही नहीं वरन पूरा विश्व एक प्रकार की महामारी से गुजरा और एक निर्णायक मोड़ पर भी आज पहुंच गया है। तो दिशा फाउंडेशन लगातार अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को समझते हुए निरंतर इस प्रकार के प्रयास करता रहता है कि हम किस प्रकार से समाज को अपने द्वारा एक प्रेरणा पैदा कर सकें या फिर समाज में इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा सकें जिससे कि गरीब या वंचित हर वर्ग को लगातार हम किसी न किसी रूप में उनको फ़ायदा दिला सकें। आज हमारा तीसरा स्थापना दिवस था और हमने देखा कि जिस प्रकार से समाज में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी सेवाएं मुक्त प्रदान करते हैं या कई ऐसी संस्थाएं जो निरंतर किसी न किसी क्षेत्र में लोगों को अपने फ़ायदे के लिए कुछ ना कुछ देती रहती हैं, तो हमेशा हमारा यह प्रयास रहता है कि हम उन सिर्फ अपने को ही नहीं बल्कि उन संस्थाओं को भी सम्मानित करें जो अपने इस प्रकार के फ़ायदे दूसरे लोगों तक पहुँचाती हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह था कि हम ऐसी 5 संस्थाओं को जिन्होंने इस कोविड-19 के काल में किस प्रकार से लोगों की मदद की, किसी ने राशन वितरित किया तो किसी ने दवाइयाँ पहुँचाई, या कुछ ऐसे लोग जिन्होंने लगातार अपनी सेवाएं मुक्त प्रदान की हैं, उन लोगों को यहाँ पे सम्मानित करने के लिए बुलाया है। और इस सम्मान को देने के साथ साथ एक प्रकार की हम प्रेरणा भी लोगों में पहुँचाएँगे कि किस प्रकार से कुछ ना कुछ अच्छा करने का कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको ज़रूर मिलता है। मैं किसको सम्मानित करते हैं कि कोई ऐसे लोग हैं क्या? हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जैसे अभी कुछ संस्थाओं ने इस कोविड-19 के काल में मुक्त राशन बांटा था, हमने उन संस्थाओं को चुना है
हमने 5 ऐसे क्षेत्रों से लोगों को चुना है जो लगातार किसी न किसी रूप में लोगों तक अपने फायदे पहुंचा रहे थे। किसी ने कंबल बांटा, चूंकि आपको पता होगा जब COVID-19 की शुरुआत हुई तो वह गर्मी का मौसम था और लोगों ने यह उम्मीद भी जताई थी कि गर्मी के मौसम में वायरसेस कम हो जाते हैं, मगर यह कम हुआ नहीं और ठंडी का मौसम भी लगभग हमने आधा बिता लिया है। तो उन ठंडी के मौसम में भी कुछ लोग जो घर से बेघर हो गए थे, जिनकी नौकरियां चली गई थी, उन लोगों को भी हमने प्रयास किया किस प्रकार से उनको मुख्य धारा से भी जोड़ा जाए और किस प्रकार से उनको हम इस फायदे तक पहुंचाया जाए। तो ऐसी कई सारी संस्थाएं, सिर्फ दिशा फाउंडेशन ही नहीं, ऐसी कई सारी संस्थाएं निरंतर ऐसा काम करती हैं, तो हम उनको आज सम्मानित करने के लिए यहां पर हमने बुलाया है। जैसे ये आज ये विकलांग कुछ आपके फाउंडेशन में मौजूद है, तो उनके लिए क्या है? आज हमारे फाउंडेशन में जो विकलांग किसी न किसी रूप में फ़ायदा पहुंचाते रहे, जैसे आपने अभी देखा होगा आज हमने जो वितरित विशेष तौर पे विकलांगों को कंबल वितरित करने के लिए यहाँ पे बुलाया है, तो चूंकि ठंडी का मौसम था और हमारा प्रयास रहता है कि हम उन तक भी वो फ़ायदा पहुंचाएं, तो आज उनको हमने सम्मानित एक कंबल दे करके ताकि वो ठंडी अच्छे से गुजार सके, उनको सम्मानित करने के लिए यहाँ पर बुलाया है। मैं पवन गुप्ता, प्रेसिडेंट दिशा फाउंडेशन।